दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सूर्य के जन्म के बारे में जाना। आज के इस एपिसोड में हम सूर्य के बारे में ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल यूनिवर्स नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। चाहे अभी दिन हो या रात, सूर्य द्वारा छोड़े गए 800 अरब से भी ज़्यादा न्यूट्रॉन आपके शरीर से गुजर गए होंगे जब तक आपने ये वाक्य सुना। हमारी आकाशगंगा में 200 करोड़ तारे मौजूद हैं। इनमें से एक तारा हमारा सूर्य है। ये हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीकी तारा है। सूर्य का भीतरी भाग का तापमान 14,98,97,000 डिग्री सेल्सियस है और इसकी ऊपरी सतह का तापमान 5,505 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य 4.6 अरब साल पुराना है। अभी इसकी हाइड्रोजन खत्म होने में 5 अरब साल और लगेंगे। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी वस्तु है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह भी इसकी कक्षा में घूम रहा है। अगर कोई भी वस्तु सूरज के 20,22,000 किलोमीटर के दायरे में आती है तो सूर्य उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 10 किलो है तो सूर्य पर 270 किलो हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से 27 गुना ज़्यादा है। सूर्य का व्यास धरती के व्यास से 109 गुना ज़्यादा है। हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितनी देर में ये एक चक्कर लगाते हैं वो उतना ही दिन का साल बन जाता है, जैसे पृथ्वी अपना चक्कर 365 दिन में लगाती है। हमारी आकाश गंगा में 5% तारे ऐसे भी हैं जो सूरज से बड़े और ज़्यादा चमकदार हैं। सूरज पर मौजूद 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हर सेकंड में 6,95,00,000 टन हीलियम और 5,00,000 टन गामा किरणों में बदल रही हैं। ये सूर्य की तेज रोशनी का कारण भी है। यदि एक रेत के कण जितना सूरज पृथ्वी पर आ जाए तो 145 किलोमीटर दूर से ही आपकी जलकर मौत हो जाएगी। सूर्य पृथ्वी से 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि एक चीता आज पृथ्वी से दौड़ना शुरू करे तो उसे सूर्य पर पहुंचने में 150 साल लग जाएंगे। यदि पृथ्वी से 1500 फीट सेकंड की स्पीड से सूरज की तरफ गोली मारी जाए तो उसे सूरज तक पहुंचने में 10 साल लग जाएंगे। यदि सूर्य के बीच से एक बूंद जितना भाग उठाकर पृथ्वी पर रख दिया जाए तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो उसे 150 किलोमीटर तक नीचे जाने से रोक दे। सौर मंडल का 99% वजन अकेले सूर्य का है। नार्व अकेला ऐसा देश है जहां 76 दिन तक सूरज नहीं छुपता। जैसे पृथ्वी को अपने दूरी के समक्ष चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, वैसे सूर्य को 25 दिन लगते हैं। हर सेकंड सूरज से 1 खरब परमाणु बम जितनी एनर्जी निकल रही है। सूर्य का असली रंग सफ़ेद है, इसके वातावरण की वजह से ये पीला दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हो सकता है। सूर्य अब तक अपनी आकाश गंगा के 20 चक्कर काट चुका है। इसे एक चक्कर पूरा करने में 2500,00,000 साल लग जाते हैं। अगर सूर्य की चमक एक दिन धरती तक ना पहुंचे तो धरती कुछ ही घंटों में बर्फ की तरह जम जाएगी। वैज्ञानिक कहते हैं आज से लगभग 7 अरब 70 करोड़ साल बाद सूर्य का आकार
200 गुना बढ़ जाएगा और ये एक बड़े लाल गोले का रूप ले लेगा। तब इसका आकार बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। हर सेकंड सूर्य के द्रव्यमान 5,00,000 टन कम हो रहा है। जब ये लाल गोला बन जाएगा तब वापिस से छोटा होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये धरती के आकार जितना रह जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में हम सूरज के अंत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।